हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे अधिकरण कारक के विषय में, और अधिकरण कारक के दो नियम अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन अधिकरण कारक का नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4। अधिकरण कारक का नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4। अधिकरण कारक के नियम नंबर 3 में क्या बताया गया है कि संलग्नार्थक और चतुरार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए बेटे, संलग्नार्थक मतलब संलग्न शब्द का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में, चतुरार्थक और चतुर शब्द का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी का। जैसे रमेश पढ़ने में संलग्न है, देखे रमेश किस में संलग्न है? पढ़ने में। तो पढ़ने शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन? सप्तमी का। क्या हो जाएगा? रमेश है पठने संलग्न है अस्ति। तो आपको कोई पूछ ले कि पठने शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे यहाँ पठने शब्द में सप्तमी विभक्ति है संलग्नार्थक शब्द से योगे। जैसे पीयूष संस्कृत में चतुर है, तो पीयूष किस में चतुर है? संस्कृत में। तो संस्कृत शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी का। क्या हो जाएगा? पीयूष है संस्कृते चतुर है अस्ति। यहाँ पर संस्कृते पद को अंडरलाइन करके पूछ ले कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर कारण होगा चतुरार्थक शब्द से योगे। तो ये है आपका अधिकरण कारक का नियम नंबर 3, जिसमें क्या बताया गया कि संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। मतलब जिस चीज़ में संलग्न है या फिर जिस चीज़ में चतुर है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन? सप्तमी का। अब पढ़ेंगे अपन इसका नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 में दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, एक तो श्रद्धा और एक विश्वास है। श्रद्धा आस्था। तो श्रद्धा और विश्वास शब्द के योग में जिसमें श्रद्धा होती है या फिर जिस पर विश्वास होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी का। जैसे बालकों की अपने गुरुओं में श्रद्धा है, तो शब्द आ रहा है श्रद्धा। तो श्रद्धा के योग में जिसमें श्रद्धा है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी का। तो बालकों मतलब बहुवचन हो गया, तो बालका नाम
अपने को लिखेंगे सव गुरुसु, क्योंकि एक गुरु में नहीं अनेकों गुरुओं में श्रद्धा है, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे सव गुरुसु श्रद्धा अस्ति, श्रद्धा अस्ति। आपको ये पूछ ले कि सव गुरुसु शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है श्रद्धा शब्द से योगे। जैसे रमेश का अपने पिता में विश्वास है, रमेश का अपने पिता में विश्वास है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि रमेश का अपने पिता पर विश्वास है। तो शब्द आ रहा है विश्वास, और विश्वास के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा सप्तमी का, कौन से शब्द में जिस पर विश्वास है उसमें अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे सप्तमी का। तो रमेशस्य अपने को लिखेंगे सव, अब पिता पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है पितृ, सव पितृ विश्वास है अस्ति। तो रमेशस्य सव पितृ विश्वास है अस्ति। अब यहाँ पर सव पितृ पद को अंडरलाइन करके पूछ ले कि इसमें कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे इसमें सप्तमी विभक्ति है विश्वास शब्द से योगे। आपको कारण भी लिखना पड़ता है और साथ में विभक्ति बतानी पड़ती है, तो इसमें विभक्ति सप्तमी है और कारण हो जाएगा विश्वास शब्द से योगे। तो ये नियम नंबर 4 में दो शब्द हैं श्रद्धा और विश्वास, तो श्रद्धा जिसमें श्रद्धा होगी, विश्वास जिस पर विश्वास होगा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा सप्तमी का। तो ये था आपका अधिकरण कारक का नियम नंबर 3 और 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।